सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर जीवन बिताने के लिए, क्रिस्तीय गवाही बनने के लिए, प्रभु के कार्यों में सक्रियता से शामिल होने के लिए और प्रभु की महिमा के लिए जीते हुए प्रभु की गवाही बनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 3 तारीख है, बृहस्पतिवार है और आज के दिन का मुख्य संदेश है प्रभु अपने शिष्यों को और प्रभु का अनुसरण करने वाले सभी लोगों को निमंत्रण देता है प्रभु के कार्यों में शामिल होने के लिए, प्रभु के कार्यों को करने के लिए और विशेष रूप से प्रभु अपने शिष्यों को, अनुयायियों को समझाता है, बताता है कि प्रभु का कार्य चुनौती भरा कार्य है। अनेक प्रकार के त्याग तपस्या करते हुए हमें प्रभु के कार्यों को करना होगा, इसलिए प्रभु अपने अनुयायियों को सचेत करते हैं, सावधान करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार का कार्य प्रभु का है। उस कार्यों के लिए जो करने को तैयार है वो अपने पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे दिल से, पूरी अपनी ताकत से करने के लिए आगे बढ़े, त्याग तपस्या करते हुए और प्रभु उनके साथ साथ देने का, साथ रहने का एहसास देते हुए उसको प्रभु के कार्यों को करने के लिए शक्ति सामर्थ्य प्रदान करेगा। इसलिए प्रभु क्या कहता है, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूँ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूँ। जरा कल्पना करें हम लोग, क्या भेड़ भेड़िए के सामने जाएगा, क्या भेड़िया भेड़ को यूं ही जिंदा छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। ये इस प्रकार से हमें क्यों बताया गया, इसलिए बताया गया कि हमारा मिशन कार्य, प्रभु का कार्य करना हम सबों के लिए कितना चुनौती भरा हो सकता है, कितना कठिनाइयों से भरा हो सकता है, इस बात को समझने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। यानी कि प्रभु का कार्य, मिशन कार्य, प्रचार प्रसार का कार्य, सेवा कार्य आज के परिवेश में कहीं से भी आसान नहीं है। भेड़ को भेड़िए के सामने जाने की बांति है, इतना कठिन है, इतना चुनौती भरा है। इस कार्य को प्रभु हम सबों को सौंपता है, हम मना नहीं कर सकते इस कार्य को, क्योंकि हम सबों की जिम्मेदारी है इस कार्य को करना और इस कार्य को आगे बढ़ाना, क्योंकि बपतिस्मा संस्कार के साथ इस मिशन कार्य की जिम्मेदारी हम सबों को दी गई है। इसलिए हम सभी लोगों के लिए आवश्यक है, जरूरत है कि हम सभी त्याग तपस्या करें, अपना स्वार्थ भरा जीवन को, सोच विचार को छोड़ें, उदारता पूरा प्रभु के कार्य को करने के लिए आगे बढ़े। इसलिए प्रभु हमें बताता है कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूँ और इस प्रकार से तुम उनके बीच में जाके प्रभु का सुसमाचार, मुक्ति का समाचार, शांति का समाचार सुनाने की चेष्टा करो। और आज के दिन में प्रभु का शांति का, प्रेम का समाचार, क्षमा का समाचार हर एक व्यक्ति के लिए, हर जगह पर, हर समुदाय के लिए बहुत ही जरूरी है। जहां प्रभु का संदेश पहुंच जाएगा, शांति का, क्षमा का, प्रेम का, भाईचारे का, वहां पर अमन चैन कायम रहेगी। अन्यथा हर जगह वो तनाव भरी परिस्थिति, वो लड़ाई झगड़ा, वो मतभेद, ऊंच नीच की भावनाएं बरकरार रहेंगी। इसलिए प्रभु का संदेश आज के दिन में हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रभु हम सबों को इस जरूरी काम के बारे में आज के दिन में अवगत कराते हैं और हम सबों को बुलाते हैं पूर्ण रूप से प्रभु पर निर्भर रहते हुए प्रभु के कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु कहता है किसी प्रकार के दुनिया की चीजें लेकर मत जाओ, किसी भी प्रकार के दुनिया की चीजें लेकर मत जाओ, ना लाठी, ना झोली, ना पैसे, ना वो, ना ये, कुछ भी लेकर मत जाओ। इन सभी चीजों से कोई काम नहीं होता है, काम होता है प्रभु के सामर्थ्य से जाने से, प्रभु के वचनों को लेकर जाने से। हम लोग पढ़ते हैं राजा दाऊद छोटा जरूर था लेकिन प्रभु के सामर्थ्य से गया, और जब प्रभु के सामर्थ्य से गया उसने मजबूत लंबे चौड़े गोलियत को
उसने मार गिराया, यानी कि प्रभु के सामर्थ्य जहां है वहां पर प्रभु का कार्य होता है। वहां पर जो भेड़िए के रूप में जो शैतान या दुष्टात्मा या अंधकार की शक्ति हमारे सामना करने के लिए हमें फाड़ खाने के लिए तैयार रहती है, उसको हम पराजित कर सकते हैं, हरा सकते हैं, जैसे राजा दाऊद ने किया। इसी प्रकार से हमें प्रभु के सामर्थ्य से, प्रभु के वचन के साथ, प्रभु पर भरोसा रखते हुए, विश्वास करते हुए हमें बुलंद इरादों से आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में हमें निमंत्रण देता है। प्रभु कहता है जहां भी तुम जाओ सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम से शांति का अभिवादन करो। जिस घर में प्रवेश करते हो उस घर को शांति का अभिवादन करो। आज के दिन में घरों में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, आस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा है, हर इलाके में, हर मोहल्ले में, हर राज्य में, हर देश में लड़ाई झगड़ा का माहौल है, अशांति फैली हुई है, अंधकार का बोलबाला है। ऐसे परिवेश में प्रभु का उस शांति का अभिवादन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभु ने कहा जिस घर में जाते हो उस घर में शांति का अभिवादन करो, जिस इंसान से मिलते हो प्रभु की शांति का अभिवादन करो। प्रभु की शांति, वो शांति जो दुनिया नहीं दे सकती, दुनिया की चीजें नहीं दे सकती, दुनिया की वस्तुएं नहीं दे सकती। प्रभु ने अपने शिष्यों से यही कहा मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपनी शांति तुम्हें छोड़ जाता हूं, वो शांति दुनिया की कोई चीजें वस्तु तुम्हें नहीं दे सकते। उसी शांति का अभिवादन करने के लिए प्रभु ने हम सबों को बुलाया है। और प्रभु कहता है सुसमाचार का विषय हम सबों को क्या लेना है, सुसमाचार का विषय ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। इस बात को हमें बताने की जरूरत है, ईश्वर का राज्य, प्रेम का राज्य, शांति का राज्य, क्षमा का राज्य, प्यार मोहब्बत का राज्य, भाईचारे का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया है। इस बात को जानना, समझना, इसको ग्रहण करना और उसके अनुरूप जीवन बिताने का संदेश देने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु कहता है अगर कोई भी व्यक्ति इस संदेश को ग्रहण नहीं करना चाहता, प्रभु के सुसमाचार को टुकराता है, ग्रहण नहीं करता, प्रभु को, प्रभु के वचनों को स्वीकार नहीं करता, तो प्रभु हम सबों को सिखाता है कि न्याय के दिन उनको इस बात का याद दिलाने के लिए, न्याय के दिन उनको इस बात का याद दिलाने के लिए जो प्रभु का संदेश को टुकराता है, मुक्ति का, उद्धार का संदेश को जो टुकराता है, अपनाता नहीं है, उसके लिए इस बात को याद दिलाना है कि न्याय के दिन उसका न्याय किया जाएगा, न्याय के दिन उचित उसके अनुसार न्याय किया जाएगा। इसलिए उचित जीवन बिताने के लिए हमें निमंत्रण देना, हमें सिखाना ऐसे कार्य करने के लिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को चुनता है, बुलाता है, भेजता है। भाइयों बहनों ये सौभाग्य की बात है प्रभु के कार्यों में शामिल होना। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद दें हम सबों को बुलाने के लिए, चुनने के लिए, हम अयोग्य लोगों को प्रभु के महान कार्यों में सेवक बनाने के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। उस कार्यों को करने की शक्ति सामर्थ्य मांगे वही पवित्र आत्मा हम सबों की अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें, जिससे कि हम सभी प्रभु का कार्य का बड़े आनंद खुशी के साथ करते हुए प्रभु के नाम की गवाही बने, प्रभु के नाम की साक्षी बने। वही प्रभु हम सबों की मदद करें, हम सबों पर प्रभु की बरकत, प्रभु की आशीष, कृपा, अनुग्रह हमेशा बना रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।